ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनंद उवाच। श्रूयतां मे वचो गोपा वेतु शंका च वो अर्भके एनं कुमारं उद्दिश्य गर्गो मे यद् उवाचः। ओके, पॉइंट ये चल रहा है कि व्रजवासी नंद बाबा के पास गए और उन्होंने कई क्वेश्चंस पूछे और पॉइंट ये था कि उनके माइंड में डाउट था और डाउट क्या था कि कृष्णा भगवान है या नहीं। ये इंटरेस्टिंग डाउट है। वेल, एक नास्तिक के माइंड में भी डाउट होता ही है, उनके माइंड में भी है, बट फर्क है नहीं, डाउट सेम है बट फिर भी डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि व्रजवासियों के माइंड में डाउट इसलिए आ रहा है कि वो भगवान है नहीं, क्योंकि वो प्रेम करते हैं, और जो असुर है उनके माइंड में डाउट आ रहा है भगवान है नहीं, क्योंकि वो द्वेष करते हैं। डाउट सेम है। सो कभी कभी चीजें सेम लगती हैं, मगर जब उसके अंदर जाओगे तो बिल्कुल ही उल्टा है। उनमें प्रेम इतना है कि उनके माइंड में प्रेम की वजह से संशय आ गया कि जो कृष्णा है, इन्होंने तो गोवर्धन 7 दिन उठाया और इतने सारे असुरों को मार रहे हैं, मतलब ये भगवान है या हमारे हमारे कृष्णा है, वही ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा जो कि हमारा बच्चा, जो हमारा खेलता है, हमें प्रेम करता है। यशोदा माँ सोच रही है मेरे पुत्र हैं, गोपियाँ सोच रही हैं हमारे सखा हैं, जो भी है, और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि वैल ऐसा लगता तो है नहीं, क्योंकि गोवर्धन तो ऐसे कोई नहीं उठा सकता 7 दिन तक। सो देयर इज अ होल पॉइंट। तो कभी कभी क्या चीज़ें सेम होती हैं, बट आपको उसके पीछे देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली कहाँ से वो चीज़ आ रही है। तभी तो कृष्ण कभी स्वामी कह रहे हैं कि काम वासना और प्रेम एक ही लगेगा। अब एक ही क्या लगेगा, अलग ही है वो तो, एक्शंस में एक ही लगेगा, दिखाई तो एक्शंस ही दे रहे हैं ना। अब भगवान और गोपियां वो भी आलिंगन कर रहे हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो भी आलिंगन कर रहे हैं, सेम ही लग रहा है, बट एक्चुअली एक काम है वासना है और एक प्रेम है। अब वो चीज समझने के लिए, वो चीज़ समझ नहीं सकते आप, वो समझने वाली चीज़ नहीं है वो, कि मैं इसको समझ लूँगा। श्रील प्रभुपाद हमने पर्पट में लिख रहे हैं 10th कैंटो के, वो कौन सा श्लोक है, विक्रीडितम, कि इफ़ यू हेयर अबाउट पास्ट टाइम्स ऑफ लास्ट लीला पास्ट टाइम्स इमीजिएटली हार्ट प्योर हो जाएगा। प्रभुपाद कह रहे हैं उसके प्रॉपर, उसके लिए उस पेपर ने लेक्चर बोला है, उसके लेक्चर में बोल रहे हैं प्रभुपाद कि ये जो है ना, ये एक मिस्ट्री है, स्पेशली राधा और कृष्ण के बीच में जो पास्ट टाइम्स हुए हैं, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो कि जब व्यक्ति प्योर हो जाता है सर्विस करते करते, और मतलब कई कई वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया उसने, तब जाके रिवील करते हैं भगवान। क्योंकि समझने वाली चीज नहीं है ना, मतलब राधा कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, एक लड़का लड़की आलिंगन कर रहे हैं, बट डिफरेंस है। अब कहोगे इसको इंटेलेक्चुअली कैसे समझे, मेरा क्वेश्चन है आप शुरू कहां से करोगे समझना। किस पॉइंट से करोगे, कर ही नहीं सकते। अब अगर आप राधा कृष्ण की पास्ट टाइम्स पढ़ लो, वो आलिंगन कर रहे हैं एक दूसरे को, किस कर रहे हैं,
मतलब थोड़ा एक्सट्रीम ही है गौड़ीय वैष्णविज्म में, और एक दूसरे के साथ रात को सो रहे हैं, और देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग। अगर आप वो सब पढ़ लोगे आप तो आप में तो लस्ती आ जाएगी, आप तो पागल ही हो जाओगे। मगर हमारे आचार्य, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु इन फास्ट टाइम्स पे मेडिटेट कर रहे हैं, जो कि सबसे पक्के सन्यासी है। हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब भागवत में जो डिस्क्रिप्शन है वो तो जीरो है। आचार्यों ने जो बुक्स लिखी हैं आप इस लाइफ में भी नहीं शायद पढ़ पाओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे। वो तो चलो छोड़ दो, गलती से पढ़ भी लिया तो कहीं और ही हो गया। इनफैक्ट जो गुरुकुल के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं किताबें ऐसी, क्योंकि उनको कोई मतलब डेमोनियर तो चाहिए ना। डेमोनियर पता है ना आप लोगों को, हमारे कॉलेज में चलती थी। मतलब ओपन लाइक दैट, तो वो कहाँ से लाएगा वो? तो वो अब यहाँ से लाएगा वो आचार्यों की किताब से, और कहाँ से लाएगा? सो बट द होल पॉइंट इज कि अब क्या इसको समझ सकते हैं? नहीं, अचिंत्य खलु हे भावा, बियॉन्ड वर्ड्स है ये। मगर ये ही महाप्रभु गिफ्ट देने आए। मगर महाप्रभु ने बोल दिया कि उसके लिए आपका माइंड सन्यासी होना चाहिए, अदरवाइज इसकी मिस्ट्री में एंटर ही नहीं कर पाओगे आपके लिए लॉक्ड है। और जब तक ये मिस्ट्री लॉक्ड है तब तक आप माया की मिस्ट्री में हो, माया के वर्ल्ड में हो। सो दैट्स द होल पॉइंट। अब यहां पे भी सेम ही चल रहा है एक्चुअली। उनको भी डाउट ही आया है, ब्रजवासियों को, कि भगवान है या नहीं। हमें भी डाउट आता है, तो आप क्या कहोगे? वो सेम, वो हम सेम है। वेल, एक पॉइंट है कि सेम नहीं है, क्योंकि ये एविडेंस हम सेम नहीं है, क्योंकि उनको भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एविडेंस है। तो आप कहोगे यार हम तो वही, ठीक है, ब्रजवासियों की तरह हम भी प्रेम करते हैं कृष्ण को, हमारे भी माइंड में डाउट आ रहा है कृष्णा हमारे ब्रजबंध में जाओगे सब कहते ही हैं ये तो कन्हैया है हमारे, तो ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, वट एवर इट इज। तो क्या सेम है? वेल, सेम नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि उनको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो भगवान के एसोसिएट नहीं कर रहे, भगवान उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, भगवान उनके पीछे जा रहे हैं। और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, मतलब भगवान हमारे साथ एसोसिएट करेंगे, हम भी उनके एसोसिएट नहीं कर पा रहे। तो डिफरेंस है नहीं, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है कि उनका सब कुछ, उनके विचार, उनकी क्रियाएं, उनके रिफ्लेक्सेस सब प्रेम की भूमि से प्रकट होते हैं। हमारे विचार, हमारे रिफ्लेक्सेस, हमारी सो कॉल्ड डिवोशन भी सब काम वासना की फाउंडेशन से आती है, सेल्फ से आती है, हमारी सेल्फ से। वही तो भुवनेश्वर हम बात कर रहे थे कल कि एक लेवल तो ठीक है कि भाई मान लीजिए एक जो अंडर भोगी है, बिल्कुल नॉनसेंस, वो तो कह रहा है मैं अपने लिए करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं असुर है ना वो, तो मतलब डेमोनिक टेंडेंसी है ना उसमें, तो मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जो मेरे रास्ते में हटा दूंगा, नहीं देख लूंगा उसको, वो भी सेल्फ चल रहा है उसमें। उससे बेटर है कि भाई मैं आगे बढ़ूंगा भक्ति में, मैं सरेंडर करूंगा और मैं सेवा करूंगा, मैं एट द सेम टाइम अभी भी क्या है उसमें, सेल्फ पे घूम रहा है सब कुछ। बेटर है, जैसे तमोगुण से बेटर क्या है? रजोगुण। रजोगुण से बेटर क्या है? सत्वगुण। बट अल्टीमेटली कृष्णा कह रहे हैं तीनों ही बेकार है, क्योंकि तीनों में सेल्फ घूम रहा है। सो व्रजवासियों में जो डाउट आए, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये कि हमें डाउट आया है कृष्णा भगवान है यानी, एक्चुअली ये नहीं चल रहा है, सेंटर में कृष्णा ही है। तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक्चुअली वो डिस्टर्ब है, क्यों? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अगर हम सोचेंगे कृष्णा भगवान है तो शायद कृष्ण को अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल अलग थिंकिंग चल रही है, कृष्ण कैसा लगेगा अगर हम ऐसा सोचेंगे?
वो खुश होंगे नहीं होंगे। अगर हम सोचेंगे कि वो भगवान नहीं है तो हमें पता ही है वो बड़े खुश थे हमारे साथ, नहीं उससे पहले तो वही चल रहा था, कृष्णा भी खेल रहे हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी, ड्रामा तो नहीं कर रहे थे। यशोदा माँ के हाथ खेल रहे हैं, नंद बाबा के हाथ खेल रहे हैं, गोप फ्रेंड्स के हाथ खेल रहे हैं, रोज काउस चलाने जा रहे हैं, गोपियों का रासीला कर रहे हैं। सो उनको पता था कि उस मूड में भगवान खुश हैं। अब वो एंग्जाइटी इसलिए आ गई कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम ही सोच लें कि वो भगवान है तब वो हमारे साथ खुश रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी खुशी का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यू सी द पॉइंट, बिल्कुल अलग चल रहा है। हमारे माइंड में डाउट आ रहा है कि अब वो भगवान है या नहीं, भैया अगर वो भगवान नहीं है तो मेरी बैंड बच जाएगी। नहीं, हमारे माइंड में तो यही चल रहा है, महंगा फंस गया। तो दैट्स द होल डिफरेंस देयर। पता नहीं क्या होगा, वो भगवान नहीं निकले तो फिर तो बेटर है कि और कहीं ढूंढते हैं कुछ। नहीं, सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। अब वो डिफरेंस कैच करने के लिए, उसके लिए भागवतम है, तभी तो पढ़ रहे हैं हम ये भागवतम। क्योंकि एक्चुअली भागवतम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि चीज़ें सेम लग रही है बट एक्चुअली हमें उसको मतलब अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, बट एक पॉइंट पे मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम वो एग्जांपल दिया था ना, कहते हैं शाखा चंद्र न्याय, सुने भैया आप भी चांद कहाँ है, वो तो चांद कहाँ है, वो तो चांद बिल्कुल मतलब मान लीजिए वो हो गया, वो कहते करवा चौथ सारी औरतों के चांद क्या हो तो क्लाउड्स हैं पूरे दिखाई नहीं दे रहा। तो एक औरत ने कहा मैं दिखाती हूँ इधर आ, तो उसने कहा वो पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, तो उसके वो ब्रांच दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल वाली, हाँ वो भी दिखाई दे रही है, वो पत्ता दिखाई दे रहा है, हाँ उस पत्ते की टिप पे देख ध्यान से चांद दिखाई देगा, अरे अब दिखाई दे रहा है। यू सी द पॉइंट। तो अब पॉइंट ये है कि उसकी पत्ते और चांद का कोई कनेक्शन है, मतलब एब्सोल्युटली कुछ ही नहीं है, वो यहाँ है वो वहाँ है, बट फिर भी उसकी हेल्प से हमने चांद को दिखा दिया। तो इंटेलिजेंस यही करती है, इंटेलिजेंस पकड़ नहीं सकती, कोई कनेक्शन ही नहीं है भगवान और इंटेलिजेंस का, बट फिर हम उसके हेल्प से इंडिकेट कर सकते हैं क्योंकि देयर इज कृष्णा। से इसलिए भागवतम में इतनी सारी चीज़ें, ऑफकोर्स ये चीज़ें इंटेलेक्ट से बियॉन्ड है, बट फिर भी हम इंटेलिजेंस से इंडिकेट कर सकते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस है, कुछ आइडिया दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दे दिया डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है उसके लिए तो आपको चांद पे जाना पड़ेगा, तो वो तो बिना उसके तो फिर होगा नहीं काम। तो पत्ते को एनालाइज करके आप चांद के कंपोनेंट्स एनालाइज कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, आप करते रहो उसके क्या है, दूर से तो आपको लग रहा है कनेक्टेड है बट एक्चुअली कंपोनेंट्स कैसे हो, वो तो आपको चांद पे जाके उसका सॉइल लेके उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए उन्होंने नंद महाराज से पूछा, इसीलिए पूछ रहे हैं नंद महाराज से, अपने एंजॉयमेंट के लिए, सेल्फ के लिए नहीं, उनके सब कृष्णा है सेंटर में, वो एक्चुअली परेशान है कि कृष्ण के साथ हमारा रिलेशनशिप, मतलब कृष्ण का हमसे रिलेशनशिप कुछ उसमें कुछ खराब ना हो जाए और उनको फिर हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो हमारे जीने का फायदा ही क्या है, मतलब हमारा मूड कैसा होना चाहिए रेसिप्रोकेट करने के लिए। सो नंद बाबा क्या कह रहे हैं, श्रूयताम में बचो गोपा, नंद बाबा कह रहे हैं कि अब मेरे वचन सुनो, श्रूयताम, श्रूयता मतलब सुनो, श्रूयताम नहीं, श्रीनु मतलब क्या होता है, तत् श्रीनु, प्लीज हेयर सुनो, श्रूयताम होता है कि मेरे द्वारा सुनो, मतलब हेयर फ्रॉम मी नाउ, जो मैं बोलने वाला हूँ, दैट्स द होल पॉइंट, एंड यू शुड बी हेयरिंग, दैट्स द होल पॉइंट, मतलब ध्यान से सुनो, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनो, श्रूयताम मतलब ये होता है, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुन लो, क्योंकि तुम्हारे तो बड़े सारे डाउट्स हैं और मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो वरना तुम्हारे डाउट्स खत्म नहीं होंगे। श्रूयता में बचो गोपा, उन्होंने कहा सुनो हे गोपियों, गोपो वे तू शंका न वो और भके, तो उन्होंने कहा कि देखो वे तू मतलब बेकार के, मतलब वे मतलब बेकार हो, व्यय समझते हो ना, खर्च कर देना, मतलब बेकार के, मतलब जो तो क्या है बेकार की चीजें, वे तू शंका, सारी शंकाएं तुम्हारी बेकार की हैं, जाने दो, वो
जब वो अर्भके जो मेरे पुत्र के प्रति तुम्हारी शंका है वो जाने दो, क्यों? उन्होंने पूछा, ऐसे के जाने दे, कोई लॉजिक है? तो नंद बाबा कह रहे हैं यस, एनम कुमारम उद्देश्य गर्गो में यति उवाचा हो। इस कुमार जब जब ये पैदा हुआ था कृष्णा, तो गर्ग मुनि आए थे इसका संस्कार करने बच्चे का, उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ कहा था और आज वो बात सत्य नजर आ रही है और मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं। सीक्रेट है, मैंने किसी को नहीं बताया था, सिर्फ मुझे और यशोदा माँ को पता है और किसी को नहीं पता। अब तुम भी सुन लो तो तुम्हारे सारे डाउट्स चले जाएंगे। सो क्या गर्ग मुनि ने क्या कहा? वर्णास्त्रय किलाया सम घृणतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्त स्थापित इदानीम कृष्णताम गतः। वेरी फेमस वर्स, कोई श्लोक याद करना तो ये कर लेना, प्रभुपाद बार बार कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्णास्त्रय किलाशयम, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है उसके तीन, वो पहले अवतार ले चुका है और पहले अवतार में उसने तीन रंग लिए थे, तीन रंग में अवतार लिए थे, तीन कलर्स में उसने अवतार लिए। और तुम्हारा बेटा स्पेशल है, अगर उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं है कि ऐसी मतलब ये अवतार लेता है ये पैदा नहीं होता। सुगृण तो अनुयुगम तनु, अलग अलग युगों में आया ये अलग अलग कलर्स में। कौन से कलर्स हैं? शुक्लस रत्ता तथा पीता। शुक्ला मतलब व्हाइट, रक्तस मतलब लाल और पीता मतलब येलो। अलग अलग रंग में उसने इनकार्नेशन लिया है। एक 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 युग में रेड कलर का हुआ है, एक युग में व्हाइट, एक युग में येलो। इदानीम कृष्णताम, कृष्णताम कथा, और अब इदानीम कृष्णताम मतलब अब काले रंग में आया है, श्याम रूप। सो एक्चुअली अब इसकी इसके अंदर प्रभुपाद ने प्रॉपर ज्यादा लिखा नहीं है, बट मतलब इस श्लोक पे बहुत बड़ी बड़ी कमेंट्रीज हैं, क्योंकि इस श्लोक के अंदर मतलब आप शुक्लो वाइट इनकार्नेशन तो हमें पता है, हम सप्तार युगों की बात कर रहे हैं। रेड रेड कौन सा अवतार है? मतलब युगा अवतार रेड भी आप कह सकते हो, रक्तस यानी वो भी हो सकता है, बट पीता येल्लो, येल्लो अवतार पता नहीं यहां अभी तक। तो कोई आचार्य लिखते हैं कि ये पीता अवतार कौन सा है? चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु। राम भगवान तो ग्रीनिश थे, ग्रीनिश कहते हैं, ग्रीनिश इनका वो था। तो क्या हो गया? ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन था, ग्रीनिश और ब्लैकिश, ब्लूइश, ग्रीनिश ब्लूइश था जो डिस्क्रिप्शन आती है। बट एट द सेम टाइम येलो, येलो तो कोई नहीं है। तो कई आचार्य लिख रहे हैं कि हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को इंडिकेट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, मगर उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि उन्होंने कहा कि पहले ले चुका है तो वे दो चैतन्य तो बाद में आए, तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली ये पहले के युगों के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, जो मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में आते ना महाप्रभु, तो पिछले ब्रह्मा जी के डे में महाप्रभु जो आ गए थे उनके बारे में बात कर रहे हैं। अदरवाइज इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते येल्लो अवतार को। सो वो कह रहे हैं कि पहले आ चुके हैं, अब ये कृष्ण श्याम रूप में आया है। कृष्णताम गतः मतलब वैसे गर्ग मुनि ने सारी मिस्ट्री खोल दी कृष्ण भगवान की, कि यह तो अवतार लेता है, युगों को में आता है और करता क्या है युगों को में आकर? प्रागयम वासुदेवस्य क्वचित चात तवात्मज, वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। और करता क्या है ये प्रागयम वासुदेवस्य, एनीवे करता तो चलो जो भी है, मगर इस तुम्हारे जन्म लेने से पहले इसने कहां जन्म लिया? वासुदेव क्या, वासुदेव क्या, वसुदेव क्या? अब वो तो हुआ ही है, वो तो नंदा को पता ही नहीं है, पहले तो वसुदेव क्या जन्म गया था वसुदेव की, फिर वहां से ट्रांसफर, मतलब इसी जन्म में भगवान ने दो पास टाइम्स कर दिया। नहीं तो गर्गमुनि ने ये नहीं बताया भी इसी जन्म में हुआ, उन्होंने कहा इससे पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं, मतलब ही जस्ट हिट दैट फैक्ट कि इसी जन्म में हुआ ऐसा, इससे पहले वसु, तो उन्होंने सोचा होगा चलो अभी पहले जन्मों में वसुदेव का पुत्र होगा,
अभी जन्म में मेरे पास आ गया, मतलब ही वॉज थिंकिंग लाइक दैट नंद बाबा। नंद बाबा के माइंड में क्या इंप्रेशन पड़ रहा है वो ही पड़ रहा है। हालांकि गर्ग मुनि तो ये कह रहे हैं, गर्ग मुनि ने एक्चुअली गर्ग मुनि ने झूठ नहीं बोला मगर सच भी नहीं बोला। तो ये भी तरीका होता है कभी कभी ना, आप लोग कहते हैं हम तो हमेशा सच बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दूसरे का माइंड डिस्टर्ब हो जाए, चाहे वो पागल हो जाए, चाहे सब कन्फ्यूजन हो जाए, फिर भी हम सत्यवादी हैं। वो कंप्लीट नॉनसेंस है, वो सत्यवादी नहीं है, वो मूर्ख है। क्योंकि सत्य बोलना भी आना चाहिए। जो सत्य दूसरों का कल्याण नहीं कर पाए वो सत्य नहीं है, वो तो अधर्म है। तो गर्ग मुनि ने अब सत्य तो नहीं बोला, वो तो कहें मैं तो सत्यवादी हूँ, मैं तो जाके बोलूँ नंद बाबा को, चाहे देखा जाएगा उन्होंने जो सोचना सोच लें। नहीं हाँ देखो भैया, नंद बाबा ऐसा है कि वसुदेव ने रात को, उनका पैदा हुआ था रात को, तुम्हारे लाए थे, तुम्हारी लड़की एक्सचेंज की थी, वो चली गई थी, तुम्हारे रख दिया था, तुम्हारा पुत्र उत्र नहीं, अब तुम्हें जो सोचना सोच लो, टाटा बाय बाय आशीर्वाद है। सुना होगा कि ये क्या कर दिया, मैं ऋषि मुनि मैं झूठ थोड़े ना बोलता हूँ। दैट्स द होल पॉइंट, यू नो, लोग इस पॉलिसी से चलते हैं एंड दैट्स अ बैड पॉलिसी। ये होता है जब, वैसे पता है ये कब होता है, जब शूद्र सत्य बोलना शुरू कर देते ना तो ये होता है। नहीं सत्यवादी ना, दैट्स द होल पॉइंट। सो गर्ग मुनि का एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं कि सब ब्राह्मण है एंड ही अंडरस्टैंड्स। ब्राह्मणों का एक काम है कि क्या है वो, हमने श्लोक लिखा है आश्रम में, सर्वे सुखिना भवन्तु सर्वे संतु निरामया। उसके बाद क्या है, हाँ सर्वभद्राणि पश्यन्ति माम कश्चित् दुख, सबका कल्याण हो, सब सब सत्य सब 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 ऑस्पिशियस मंगलता को देखें, किसी को दुख ना मिले। एंड दैट्स द होल पॉइंट, ये धर्म का सार है अल्टीमेटली। तो सो व्हाट्स द पॉइंट, तो उसके लिए झूठ बोले वो भी नहीं बोल सकते, वो धर्म है। एक जरूर कर सकते हैं कि आप पूरे सत्य ना बोलो, इसलिए तो अधर्म नहीं है, ये तो शास्त्रों ने नहीं कहा कि पूरा सत्य ना बोलना अधर्म है, कहीं नहीं कहा। तब ये जरूर कर सकते, जैसे प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने थोड़े ना उनको बोल दिया पहले बार में सबको, प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद ने नहीं बताया, इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, प्रभुपाद ने कहा चलो कोई नहीं। फिर धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए, धीरे धीरे किए ना, एकदम से तो नहीं बताया उन्होंने, तो घबरा जाते। शुरू में तो चाय कॉफी भी पी रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि स्मोकिंग मत करो, मगर प्रभुपाद ने ये भी नहीं कहा कि झूठ भी नहीं बोला कि स्मोकिंग कर सकते हो, पर कुछ कहा ही नहीं उस पॉइंट पे, म्यूट रहे। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सो ये चीज अब धीरे धीरे आप अप्लाई, ये चीज एक्सपीरियंस से आती है, ये चीज अगर आप ध्यान रखोगे तो आ जाएगी। मतलब कम्युनिटी लिविंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर चीज नहीं बोल सकते। सो प्रागयम वास, गर्ग मुनि ने ऐसे ही किया, उन्होंने कहा भाई पहले वसुदेव के यहाँ पैदा हुआ था, अब पहले का डेफिनेशन क्या है वो उन्होंने नहीं बताई, इसी जन्म में पिछले जन्म में। अब और उनको पता भी लग रहा है, नंद बाबा अपने माइंड में सोच रहे हैं पिछले जन्म में, मतलब बेवकूफ तो है नहीं गर्ग मुनि, उनको पता है मैं ऐसा बोलूंगा तो वो अपने माइंड में सोच रहे हैं कि पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, मगर एक्चुअली फिर भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। मैंने कहा चलो ठीक है, वो बल्कि उन्होंने जानबूझ के बोला था ऐसा कि वो सोच लें पिछले जन्म में होगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब अशांत नहीं होंगे। प्राग्यम वसुदेवस्य क्वचित जाता तब आत्मजः, ये जो पुत्र है आपका ये सबसे पहले वसुदेव क्या पैदा हुआ था, वासुदेव इति श्रीमान, इसलिए इसका एक नाम क्या है, वासुदेव, इसका नाम वासुदेव है। अभिज्ञ संप्रचक्षते, जो अभिज्ञ जो ज्ञानी लोग होते हैं, स्कॉलर्स ऑफ फिलोसफर्स होते हैं, अभिज्ञ जो सब कुछ जानने वाले हैं, संप्रचक्षते इस तरह से कृष्ण को बुलाते हैं वासुदेव नाम से। तो वासुदेव एक्चुअली बहुत स्पेशल नेम है भगवान का। वासुदेव का मतलब है, किसी को पता है, चलो वसुदेव के पुत्र, एक तो यही हो गया वासुदेव,
मीनिंग क्या है? ये तो चलो ओरिजिन हो गया, मीनिंग क्या है? और इसे बताए, ये तो आप एटाइमोलॉजी बता रहे हो, मैं लेक्सिकॉन पूछ रहा हूँ। अगर आप मीनिंग मीनिंग क्या है उसका, सो वासुदेव का मतलब होता है जो हर जगह वास, वास बोलते जो हर जगह वास करता है। अब वैसे ये बहुत स्पेशल नेम है, नहीं सभी वासुदेव तो आपने सुने होगा, बहुत फेमस नेम है। दो तीन नेम तो बहुत फेमस है, वासुदेव, गोविंदा। तो वासुदेव इतना स्पेशल क्यों है? वेदों में भी स्पेशल है, तभी तो कह रहे हैं अभिज्ञ, अभिज्ञ तभी कह रहे हैं दोज हुआ लर्न इट। प्रभुपाल देख रहे हैं दोज हुआ लर्न इट, किस में लर्न इट? वेदास में। और लर्न इट तो वही बात होगी वेदास में, और किस में? केमिस्ट्री में लर्न इट होगा क्या? जो वेदों में जिसका जो स्कॉलर्स हैं वो इनको वासुदेव बुलाते हैं। अब इसका मतलब ये है कि एक्चुअली वेदों में वासुदेव नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्या कहते हैं, वन ऑफ द नेम्स ऑफ कृष्णा विच जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस है। क्यों है इस नाम की क्यों इंपॉर्टेंस है, और किसी नाम की क्यों इंपॉर्टेंस है? भगवान कृष्ण के तो करोड़ों नाम है, मधुसूदन, गोपी जन वल्लभ, यशोमती नंदन, मगर वेद, जहां तक वेद की बात आती है उसमें अगर कोई नाम इंपॉर्टेंट है तो वासुदेव। अगर आप वेदों से पूछोगे कि भगवान कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट नेम क्या है तो वो क्या कहेंगे? वासुदेव। गोपियों से पूछो भगवान कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है तो क्या कहेंगे? प्रॉब्ली कहेंगे राधिका रमन। नहीं, अब आप यशोदा माँ से पूछो भगवान कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है तो वो कहेंगे ब्रजेंद्रनंदन। तो अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना उस नाम की। अब गांव जो गाय, गाय से पूछो कृष्ण का सबसे इंपॉर्टेंट नाम क्या है तो वो क्या कहेंगी? क्या हो गया? गोविंदा। अलग अलग, अब इसलिए वेदों से पूछो वासुदेव, तो वेदों के लिए वासुदेव क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट्स अ होल पॉइंट, बार बार रिपीट हो रहा है। एक्चुअली वासुदेव उपनिषद ही है एक पूरी। सो क्यों है? क्योंकि वासुदेव मतलब जो हर जगह नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदों का प्राइम लक्ष्य क्या है? हाँ, को जानना था तो ब्रह्मा कि भगवान कौन है, और भगवान को डिफाइन करना है। नहीं, ये मेन तो वेद का मेन इंपॉर्टेंस ही है। अब प्रॉब्लम अब ये है कि भगवान कौन है? एक बात तो क्लियर है कि भगवान कौन है, भगवान वो है जो अंतर्यामी है, यानी ये बार बार वेद कह रहे हैं, जो सब कुछ जानते हैं, ओमनिशियंट, यही है ना। जीव आत्मा और परमात्मा में ही फर्क है, जीव आत्मा सब कुछ नहीं जान सकती, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। सिर्फ जानते, जानना तो बहुत ही चलो अच्छा वर्ड नहीं है, क्योंकि आपका ठीक है, आप गूगल भी जानता है ऑलमोस्ट सब कुछ, अभी तो चलो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, हो सकता है सुपर कंप्यूटर बना दो, सब कुछ जानता हो तो क्या वो भगवान बन गया? नहीं, तो लोग कहते हैं वैसे गूगल वर्सेस गॉड है नहीं, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मेन क्या होता है, कैसे क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस है? सो है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ जानना नहीं है, वो भगवान जानते नहीं है, भगवान कॉन्शियस है हर चीज के, वो डिफरेंस है। गूगल तो इंफॉर्मेशन है बट कॉन्शियस नहीं है वो, मतलब हम अपने बारे में सिर्फ जानते नहीं है, ऐसे तो कहो कि आप अपने फ्रेंड के बारे में भी जानते हो, अपनी वाइफ के बारे में भी जानते हो, अपने बारे में जानते हो, मगर डिफरेंस है ना। अब अपने बारे में सिर्फ जानते नहीं हो, अपने बारे में कॉन्शियस हो आप, अपनी वाइफ के बारे में कॉन्शियस नहीं हो, उसको दर्द होगा आपको दर्द नहीं हो रहा, तो फिर उसको भूख लग रही है आपको नहीं लग रही, कॉन्शियस कैसे कैसे है हिंदी में? वैसे तो सचेत कहते हैं, बट एक्चुअली ये वर्ड भी ना एक्चुअली सम रजिस्टर नहीं होता, कोई सिंपल वर्ड होना चाहिए कॉन्शियस का, एक जो लोगों को पता लग जाए है, है? जागरूक है अपने बारे में, जागरूक, आई डोंट नो, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा मेरे अभी कोई अच्छा, सचेतन मॉडर्न यूथ के दिमाग में नहीं होता ये क्लिक, बट ठीक है चलो आपको, मुझे याद नहीं आ रहा, बट
बट यू आर कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्फ, हम सचेत हैं अपने बारे में. सचेत सचेत में ना एक्चुअली अलर्ट की सेंस आती है, वो कॉन्शियस की सेंस नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस देयर. सो व्हाट अबाउट दिस, आई डोंट नो, कॉन्शियस कॉन्शियस तो क्या हिंदी वर्ड बन गया क्या कॉन्शियस? अनुभव भी हो जाता है. हाँ आप ये कह सकते हो हमें अपने बारे में अनुभव है, अपने अंदर अंदर क्या चल रहा है, हमें अपने शरीर का अनुभव है, उसके शरीर का अनुभव नहीं है शायद ये कह सकते हो. ना तो इसका कोई वर्ड ही नहीं है. संस्कृत में संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कॉन्शियस को. बट एनीवे, तो देयर इज अ डिफरेंस. नहीं तो भगवान वासुदेव ऐसे नहीं कि सबको जानते हैं, बहुत ही इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. सबके बारे में कॉन्शियस है, मतलब वो आपके बॉडी में पेन हो रहा है, उनको उनको भी फील हो सकता है कि आपकी बॉडी में पेन है. तो आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं और जो थॉट्स से आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, वो सारा एक्सपीरियंस भगवान भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एज इट. इसलिए भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते, एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके थॉट स्कैन नहीं कर रहे हो, कोई सीटी स्कैन नहीं है उनके पास, सुपर कंप्यूटर नहीं है कि स्कैनिंग चल रही है, वो एक्सपीरियंस ही चल रहा है कि वो सोच के आपके अंदर एग्जैक्टली क्या फीलिंग आई है, क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो सब रिकॉर्ड होता जा रहा है क्योंकि वह वासुदेव है. इसलिए वासुदेव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मतलब ब्रह्मा जी शिव जी ये लोग जान सकते हैं मगर एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, कॉन्शियस नहीं है ये. जो त्रिकालदर्शी लोग नहीं होते, जो व्यासदेव भी त्रिकालदर्शी हैं, अब आपका वो जो 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 मुक्त जीव है वो भी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, जैसे आपके तीर्थंकर जैन हो गए कहते हैं त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, ठीक है, मगर भगवान नहीं बने वो, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है हर चीज के. उनको पता लग गया अब कॉन्शियस है या नहीं, वो नहीं कहा जा रहा, वो उसके लिए क्या कहते हैं तीर्थंकर, ठीक है, कॉन्शियस है हर चीज के लिए, सारा ज्ञान अलग है, कॉन्शियस है या नहीं वो बात है, मगर अवेयरनेस कॉन्शियस लेवल पे लाते हैं क्या, आई डोंट नो, डिफरेंस है वो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है. उनको पता है क्या चल रहा है, बट एक्चुअली भगवान तो डेड ऑब्जेक्ट के भी कॉन्शियस हैं कि पत्थरों कैसी, पत्थर अगर फील करेगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा. इनफैक्ट पहले जमाने में तो मतलब पहाड़ को भी हम लिविंग मानते हैं बाय द वे, कुछ पहाड़, तो भगवान तो उसके भी कॉन्शियस है कि वो क्या फील कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है. सो दैट्स अ होल पॉइंट. इसलिए वासुदेव सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेदों का. अगर भगवान का कोई नाम है तो वासुदेव है, जो फिट होता है, फिट, जिससे हमें पता लगेगा कि वो भगवान है. और किसी भी जीवात्मा में कैपेसिटी नहीं है हर चीज के बारे में कॉन्शियस होना, जान सकता है, समझ सकता है, कर सकता है, बट कॉन्शियस नहीं हो सकता, ना ब्रह्मा ना शिव, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है. एक्चुअली जो भृगु मुनि ने टेस्ट किया था यही किया था, भृगु मुनि को भेजा था तुम टेस्ट करके आओ कि भगवान कौन है, तो ये तो स्टोरी पता ही है. ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, शिव को गुस्सा आ गया, कृष्ण भगवान को नहीं आया, मतलब विष्णु को, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा मैं आपके पैर में, मतलब उन्होंने लात मारी ना, उन्होंने कहा आपके पैर में दर्द हो रहा है, तो लोग कहते हैं उनको क्रोध नहीं आया इसलिए भगवान है, बिल्कुल गलत है. क्रोध तो चलो कोई डरपोक आदमी को भी नहीं आएगा, नहीं उसको मार देगा, नहीं नहीं ठीक है. क्रोध आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रोध तो क्या है, क्रोध तो कोई भी कंट्रोल कर ले. पॉइंट ये था कि विष्णु को पहले ही पता लग गया था कि भृगु मुनि क्या करने आ रहे हैं, शिवजी ब्रह्मा जी को नहीं समझ पता लगा था, ही वॉज ओमनीशियंट. इनफैक्ट सिर्फ पता ही नहीं था, वो भृगु एक्चुअली भृगु मुनि को भृगु मुनि से ज्यादा जानते हैं, उनके अंदर है ना वो, तो एक्चुअली वो ये समझ भी गए थे कि एक्चुअली वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों लात मार रहे हैं, एज इट इज उनको समझ आ रहा था, क्योंकि भृगु के अंदर ही बैठे हैं वो. लक्ष्मी तक नहीं समझ पाई क्योंकि लक्ष्मी भी वासुदेव नहीं है, लक्ष्मी भी कॉन्शियस नहीं है. लक्ष्मी त्रिकालदर्शी हैं मगर वासुदेव नहीं, इसलिए लक्ष्मी जी ने कर्ज किया भृगु मुनि को कि तुमने आज किया है तो भैया मैंने कहा चलो छोड़ो ये सब, मैं समझता हूँ. सो दैट्स अ होल पॉइंट देयर. वासुदेव, इसलिए इसलिए सारे शास्त्र वासुदेव वासुदेव वासुदेव, ओम नमो भगवते, हाँ भगवते में इसे शुरू हो रही है. भगवान वहाँ पे ओम नमो भगवते कृष्णा है थोड़े ना बोला है, गोविंदा थोड़े ना बोला है,
क्योंकि भगवान का सबसे सटीक जो नाम है वो वासुदेव है, अदरवाइज और कोई नाम, एटलीस्ट एज फार एज डेफिनेशन ऑफ गॉड इज कंसर्न्ड। मतलब वैसे तो हमारा आपसे कृष्ण टॉप मोस्ट नेम है, मगर वो एक अलग दृष्टिकोण है। कृष्ण वन टॉप मोस्ट नेम है इन रिगार्ड टू प्रैक्टिस ऑफ डिवोशन, भक्ति करने के लिए और मतलब माधुर्य अचीव करने के लिए। बट उस परस्पेक्टिव से कि गॉड की डेफिनेशन क्या है, उसमें तो बेस्ट नाम है वासुदेव, क्योंकि उसी से प्रूव होगा कि गॉड है। मतलब उस नाम के अंदर ही एविडेंस भी है, अगर लॉजिक चाहते हो तो वो उस नाम के अंदर ही है। इसलिए सारे उपनिषद वासुदेव यूज कर रहे हैं, बट कृष्णा नहीं कर रहे, एक्सेप्ट गोपाल तापनी उपनिषद, क्योंकि वो तो चलो गोपाल तापनी उपनिषद नाम ही है। सो अगर कोई पूछे भगवान कौन है, वासुदेव, फिर आप बता सकते हो इस नाम से कनेक्ट करके कि भगवान है कौन। डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन ये है जो हर जगह वास करता है। हर जगह वास करने का मतलब कि ओमनीसेंट को क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं कि हर चीज जानते हैं, ये चीज कि हर चीज के बारे में कॉन्शियस है। दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए कहा जाता है कि आपसे ज्यादा आपको भगवान जानते हैं, इसलिए कहा जाता है। मतलब आपकी हर साइकी, हर रिफ्लेक्स, हर फीलिंग को वो समझ रहे हैं परमात्मा के रूप में। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है वहां पर, आप उससे कुछ हाइड नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है वो, इम्पॉसिबल। मतलब वो बंदा आपके अंदर ही बैठा है और सिर्फ सीपीयू की तरह नहीं है वो, कॉन्शियस है वो। दैट्स हाउ इट गोज, सो यू कांट हाइड। सो एक डिवोटी जिसको पता है कि वो वासुदेव है, फिर वो गलत काम कर नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा। अगर उसको लग रहा है कि भगवान वो है जो सब कुछ जानते हैं, तो गलत काम हो जाएगा, गलत थॉट आ जाएगा, क्योंकि आप कहोगे जानते हैं, चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन तो जा रही है, फीलिंग्स में हिट कर लूंगा, स्कोप है ना वहां स्कोप है, बट यहां कोई स्कोप ही नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए ओम नमो भगवते वा, तभी तो लोग जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, उनको इंप्लीकेशन पता है क्या बोल रहे हैं, एवे नहीं चल रहा है वो। ध्रुव महाराज ने ही तो बोला था, यही बोला था ना ओम नमो, उनको पता है कि भाई वो उसकी वासुदेव बोलने की इंप्लीकेशन क्या है, कि अगर उन्होंने भगवान को वासुदेव एड्रेस किया है तो दे हैव टू बी सुपर कॉन्शियस। कि भगवान कहेंगे ठीक है तो मुझे वासुदेव बुला रहे हो, इसका मतलब है मैं सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना तुम ये तुमने मुझे ऐसे एड्रेस किया है। अगर आप कुछ और नाम बोलो, ओम नमो अफीन चाय नमा, तो ठीक है भगवान, ठीक है तो मुझे ऐसे बोला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अलर्ट रहने की तरह। बट इट डजंट हैपन लाइक दैट। तभी ये जो मंत्र है ना, ये जो मंत्र बिना समझे काम नहीं करते, क्योंकि उनकी ग्रेविटी क्लिक नहीं होती। तो माइंड में ग्रेविटी क्लिक नहीं होगी, आपके एक्शन चेंज नहीं होंगे। तभी तो ध्रुव महाराज की डिजायर चेंज हो गई। मतलब आप सोच सकते हो कि वो ओम नमो वासुदेव बोले जा रहे हैं, वो तो डिजायर से कर रहे थे ना, मुझे किंगडम चाहिए, भगवान है डिजायर चेंज। अब वो क्या कैसे हो गए भाई, या तो आप कहो चलो ठीक है मंत्र का प्रभाव है, भगवान की कृपा है, चलो वो तो है ही, मगर इज देयर एनी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर, क्या कोई शाखा चंद्र न्याय है उसमें, मतलब कुछ इंडिकेशन है। तो इस तरह से है कि वो लोग समझते हैं कि वासुदेव, नारद मुनि ने एक्चुअली बताया भी ध्रुव महाराज को कि वासुदेव का एग्जैक्टली मतलब क्या है और तुम क्यों कर रहे हो, विष्णु पुराण में आता है और पुराणों में, मतलब ऐसे नहीं बोला था कि तुम करते रहो चले जाओ, उन्होंने सारी इंप्लीकेशन बताई थी। तो उन्होंने कहा तब करो, तभी तो उन्होंने सांस वांस लेना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने पता है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसलिए एक्सपीरियंस लेवल पे तो सेम ही चल रहा है, तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस परफेक्ट होना चाहिए, तब वो परफेक्टली सेटिस्फाई होंगे, एक लेश मात्र भी भोग नहीं होना चाहिए उसमें। इसका एविडेंस भी है भगवान प्रकट हो गए, फिर भी उनकी इच्छा कृपा जी ने वहां पे कहा कि सब इतने समझदार या कुशल नहीं होते जो भगवान से सही चीज में। हाँ ऐसा भी है, ये बात है, ये बात सही, कपिल देव के बारे में कह रहा हूँ उनके फिर ये बात ठीक है, कर्दमा मुनि के बारे में भी यही है। क्या कह रहे हो जनाब,
सो वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञ, ये वर्ड जो अभिज्ञ है तभी अभिज्ञ इस्तेमाल किया उन्होंने, मतलब ऐ गर्भ मुनि बच्चे थोड़े ना ऐसे कि यार ऐसा कहा गया ये कहा गया चल ठीक है, ये लोग ऋषि, ये लोग मतलब दे आर अनबॉर्न एक्चुअली, ये लोग मानस पुत्र हैं सब ब्रह्मा जी के ना, इंक्लूडिंग नारद मुनि, सृष्टि के शुरू से हैं ये, तो ये जब बोल रहे हैं अभिज्ञ तो बोल रहे हैं अभिज्ञ, सो अभिज्ञ जो वेदों को जानने वाले हैं वासुदेव बोलते हैं, इसलिए अब ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अब नंद बाबा को समझ आया नहीं आया वो हम कह नहीं सकते नंद बाबा को कुछ क्लिक नहीं हो रहा शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट गर्ग मुनि ने बता भी दिया क्योंकि गर्ग मुनि को पता था कि बाद में होंगी प्रॉब्लम्स और ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने एक इंडिकेशन सी दे दी कि कंफ्यूज भी ना हो और पूरा पता भी नहीं लगे, कि कंफ्यूज भी ना हो और टेंस्ड भी ना हो, और इनका रिलेशनशिप बना रहा है भगवान के साथ, मतलब जिस मूड में भगवान चाहते हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव सिचुएशन थी कि किस तरह बताएं, ना बताएं तो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन आ गए अब क्या फिर क्या होगा, वो तो नंद बाबा पहले ही कंफ्यूज हो जाते जब पूतना को मारा था, वो पहले उठा के ले आते गर्गमुनि भाई कुछ बच्चे में प्रॉब्लम है ये क्या है ये बच्चा है क्या है, सो वो तो इतने असुरों को मार दिया नंद बाबा कंफ्यूज नहीं क्योंकि गर्गमुनि ने बोला हुआ था उनको, एट द सेम टाइम गर्गमुनि को ये भी देखना है कि पूरी तरह इनको सच पता लग गया तो इनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, मतलब वो जो भावना है जो जिस तरह भगवान चाहते हैं इंटरेक्ट करना सेवा में हैम्पर हो गया, तो इन्होंने इस तरह से वर्ड्स चूज करके बोले, दैट्स द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, समझे, मतलब ये भी सिखा रहे हैं बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट ऑफ स्पीकिंग है, आपको सारा कॉन्सिक्वेंस देख के बोलना होता है, आप सिर्फ ब्लास्ट नहीं कर सकते, जो कि मॉडर्न सोसाइटी में तो ऐसी है, मॉडर्न सोसाइटी में तो चलो ट्रेंड नहीं है ना हम लोग, तो आपको सारे एस्पेक्ट्स देख के फिर बोलना होता है, तभी चाणक्य पंडित कह रहे हैं सोचने से पहले कितनी बार सोचो, बोलने से पहले कितनी बार सोचो, तीन बार, अब तीन बार क्या है तो क्या सोचें, बोलना चाहिए बोलना चाहिए बोलना चाहिए, हाँ ठीक है दैट्स नॉट द होल पॉइंट, तो रामानुजाचार्य लिख रहे हैं तीन बार, एक्चुअली रामानुजाचार्य चाणक्य को कोट नहीं कर रहे बट ऐसे ही मेंशन कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ा था, तो तीन बार क्या सोचा चाहिए, तो मतलब वो जो श्लोक है ना सत्यम प्रियम हितम वाक्यम, उसी में कोट कर रहे हैं तीन बार, कि सत्य है या नहीं पहला, प्रिय है या नहीं, प्रिय मतलब कि उससे उसको उससे उसको उसको ठेस ना पहुंचे, वो अशांत ना हो जाए, दैट्स अ होल पॉइंट, और हितम है यानी कि उसके लिए हितकारी यानी और सबके लिए हितकारी है यानी, क्योंकि क्योंकि हो सकता है आपने आपको हो सकता है उसके लिए हितकारी हो मगर दूसरों के लिए हितकारी ना हो, है नहीं, फिर चलो उसके लिए तो हित हो गया बाकियों के लिए हित नहीं हुआ, बाकी लोग टेंस्ट हो गए तो जब वो टेंस्ट होंगे तो उसको टेंस्ट करेंगे, समझ रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि आदमी तो सोसाइटी में ही रह रहा है, अभी मैंने अनुराग कश्यप को कुछ जाके बोल दिया इसको तो सही लगा प्रभु जी आप सही कह रहे हो तो परफेक्ट, और बाकी लोगों को सही नहीं लगा, नहीं समझ रहे हो, तो वो परेशान हो गए, ये तो सेट हो गए, अब वो परेशान करेंगे देखो क्योंकि वो तो वहीं रह रहे हैं, सो वो डायनेमिक्स भी देखनी होती है, ऐसा नहीं है कि आप ठीक है हम दोनों में हो गया बाकी लोग ठीक है, बाकी लोग क्या हो रहा है भाई वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो परेशान होंगे ये परेशान होंगे ये परेशान होगा वो परेशान होंगे, सो कॉम्प्लेक्स भी है, कभी कभी तो सेट होती नहीं चीजें और चीजें उल्टी हो जाती है, आप कुछ बोलो कुछ उल्टा ही रिजल्ट आ जाता है, एट द सेम टाइम अगर हम दिमाग में रखेंगे तो काफी चीजें सॉल्व हो सकती हैं, अगर नहीं रखोगे तो कबाड़ा ही है, रखोगे फिर भी गारंटी नहीं है कि सब चीजें सही हो जाए, क्योंकि संसार में कौन क्या सोच रहा है भगवान जाने, कुछ नहीं कह सकते आप, बट एटलीस्ट कुछ तो बेटर है, समथिंग विल बी बेटर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बस ये, सो दैट्स व्हाट गॉड मनी इज टेलिंग हिम, एंड ओ 9 बज गए मुझे पता ही नहीं लगा, आप लोगों को पता लगा, लो 1 घंटा हो गया कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना है, आई स्टॉप हियर। गर्गमुनि ने शुरू में कह तो दिया था कि ये 3 हफ्ता भी चुके
वो अवतार उनको समझ नहीं आया, अवतार क्यों नहीं, उन्होंने बोला पहले बच्चा पैदा हो चुका है, येलो रंग रेड, अब वो तो अब इस लेवल पे हमें समझ आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हुआ होगा लाल रंग में और पीले रंग, कोई डिजीज होगी, पहले पीला हो गया, वो जॉन्डिस में हुआ होगा उसको पहले जन्मे एक जन्मे उसको कुछ ब्लड की कमी हो गई होगी, वाइट हो गया होगा, एक में रेड हो गया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई होगी, कुछ सोच रहे होंगे क्या कहते हैं परफ्यूरिया रेड हो जाते हैं वो अब तो सोच लेगा कुछ क्या कह रहे हैं ये चीज नंद बाबा सोच नहीं पाए, क्योंकि एक्चुअली नंद बाबा को इतना प्रेम था कि वो प्रेम में सोच नहीं पाए, प्रेम में आदमी अंधा भी हो जाता है ना, अगर सोचना भी शुरू किया होगा कृष्ण को देखते उनको सब भूल गए होंगे, मेरा बच्चा वो हंस एक बार हंसा होगा बस खत्म, वो उड़ जाएगा उसको, हाँ वो सब उड़ जाएगा, तो ही कौन रियली रियली थिंक अबाउट इट एनीथिंग। ऑफ कोर्स भगवान तो चाहते ही हैं, भगवान चाहते हैं, नहीं वो तो बात है, बट एटलीस्ट गर्ग मुनि को तो ध्यान से बोलना पड़ेगा कि भगवान की सेवा में और भगवान के इस पास टाइम में हिंड्रेंस ना बन जाए वो उल्टा फुल्टा करके। इफ कृष्णा वॉन्ट्स दैट ही हैज टू अंडरस्टैंड कृष्णा वॉन्ट्स दैट, कृष्णा वॉन्ट्स की नंद बाबा का वही मूड बना रहा है, एंड कृष्णा ऑल्सो वॉन्ट्स की उनको पता भी लग जाए, तो नंद बाबा की सर्विस ये थी कि किस तरह बोला जाए, वो ये सेवा थी, तो कोई कोई छोटी मोटी डिस्कशन नहीं चल रही कि उन्होंने बोल दिया चले गया, मतलब ही हैज टू थिंक अ लॉट, ही इज डूइंग सर्विस, वो कोई इन्फॉर्मेशन देने नहीं है, मैसेंजर नहीं है वो, तो वरना कोट ही नहीं करते भागवतम में सब, भागवत में सब सेवा ही है। अब प्रॉब्लम है कि हमें समझने सेवा कैसे है और किस लेवल तक किस डेप्थ में वो सेवा चल रही है, तो वो मैं समझा रहा हूँ कि ये सर्विस कैसे थी उनकी और क्यों थी, और वो पास भी कर गए अपने सर्विस में, सही कर गए, गड़बड़ नहीं हुई। किसमें हाँ स्वार्थी है वो, अगर हम ये भी सोचते रहेंगे ना कि मैं मुझे भक्ति आगे बढ़ना है, मुझे करना है, मैं चैंटिंग सही करूँगा, मैं अपराध नहीं करूँगा, मैं वहाँ की शरणागति लूँगा, ठीक है, मतलब मच बेटर देन नॉनसेंस, मतलब एक लेवल तो है ही, ए हो होए आगे कहा हार, दैट्स द होल पॉइंट, ये तो प्राइमरी स्टेज है, बट इसमें भी अभी आप अटके हो, आप सेल्फ में घूम रहे हो, एक्चुअली सेल्फ में घूमना ही डिजीज है, वो सेल्फ को इनसिग्निफिकेंट बनाना जरूरी है, उससे तो निकलना है, वो ही पूरी भागवतम चल रही है, वो तो फिर वो भी एक इल्यूजन ही है, क्योंकि आप सेल्फ में घूम रहे हो, मैं तो उसमें क्या होगा, उसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अभी इंपॉर्टेंस तो आप अपने को ही दे रहे हो ना, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं चैंटिंग करूंगा, मैं सरेंडर करूंगा, मैं आपने इंपॉर्टेंस अपने को दे रहे हो, तो मैं आपको ट्रिक कर सकती है, मैं ठीक है, फिर धीरे धीरे आप संसार में तो रह ही रहे हो, कन्फ्यूज हो जाओगे, फिर आप कहोगे मैं पैसे कमाऊंगा, और यू डू विद दैट, वो तो मैं को इनसिग्निफिकेंट बनाना होता है, तब जाके वो सारे ट्रेडिशंस यही कह रहे हैं, गॉड को लाना पड़ेगा सेंटर में चारों तरफ। सो हम लोग भगवान को क्यों सरेंडर करते हैं, एक जो नया डिवोटी है वो भगवान को सरेंडर करता है मैं करूंगा, एक जो एडवांस डिवोटी है वो भगवान को सरेंडर करता है क्यों, क्योंकि भगवान आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए आई एम डूइंग दिस, अदा भाई जहां तक मेरा सवाल है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो घटिया ही हूं, मेरे अंदर से ऐसी कोई बिल्कुल कोर ऑफ सोल से ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही सरेंडर करना है, बट क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे आपकी बात पे विश्वास है मैं करूंगा, तो वहां वो बेटर लेवल है उससे, क्योंकि उसमें आपने कृष्ण को सेंटर रखा है ना, अपने आप को फिसाइड में कर दिया ना आपने, तो ये ज्ञानी और डिवोटीज में ही फर्क होता है, और फिर और हायर लेवल्स पे तो फिर आप
आप सरेंडर क्यों करते हो? क्योंकि बिकॉज कृष्णा लाइक्स, कृष्ण को मजा आएगा, कृष्णा विल फील प्राउड ऑफ अस, भगवान भी कह पाएंगे मेरा डिवोटी है, तब मजा आएगा हमें। नहीं मतलब भगवान का अहंकार बढ़ेगा ये कह लो, तब मजा आता है हमें। डिवोशन यही है बाय द वे, अगर आप इस तरह फुट करवाओ तो भगवान का प्राउड बढ़ेगा, दैट वी लाइक। अब तो द्वेष इसीलिए आया था हमें, भगवान का अहंकार क्यों बढ़े, हम अहंकार बढ़ाएंगे। वही वही प्रॉब्लम आ रही है, वही ब्रेक है, क्योंकि हमें देख ही नहीं सकते किसी और का अहंकार बढ़ जाए, हमें वो देख नहीं सकते ना हम। इसीलिए जो ज्ञानी और डिवोटी में फर्क होता है, इसलिए ज्ञानियों का फॉल डाउन होता है। ज्ञानी भी इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं मगर अल्टीमेटली ब्रह्मा जी कह रहे हैं आरु अकृष्ण अपरम पदंत, क्योंकि अल्टीमेटली अहंकार का प्रिंसिपल बना हुआ है। वो बात है कि आप अपने अहंकार को सही से यूज कर रहे हो आप स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, मगर बना तो हुआ ही है, वो जब तक है तब तक फॉल डाउन हो सकता है आपका, है तो वही तो उसके बियॉन्ड। तो सतोगुण में अहंकार बना रहता है, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जल्दी से बाहर निकलो वरना तो आप, और वो बहुत खतरनाक है। तमोगुण में तो आपको पता है आप घिरे हो, रजोगुण में आपको पता है आप घिरे हो, सतोगुण में तो आपको लग रहा है घिरे हुए हो ही नहीं, आप तो सही चल रहे हो, आप तो सेफ हो। नहीं, अब वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है, आप पूरे अनसेफ प्लेस में और आप सोच रहे हो मैं बस। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सतोगुण और डेंजरस है तमोगुण रजोगुण से, एक लेवल पे आकर बहुत बड़ा ट्रैप है। सुखम बदनाती संगेना, नहीं कह रहे ना, सतोगुण में आदमी सुख से और अच्छाई से बन जाता है, उससे निकलना इंपॉसिबल है, इंपॉसिबल है। कृष्ण कह रहे हैं डोंट फॉल ट्रैप, गो अहेड, मुझे सेंटर में लेके आओ। सो एक लेवल पे चलो वो भी बात है ना। अब भाई मान लीजिए, मगर ये है कि जो व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल भोगी है, जो सोच रहा है मैं भोग करूंगा, मैं मारूंगा काटूंगा, उसके लिए उससे तो बेटर, मच बेटर सतोगुणी है कि भाई शांत रहो, भगवान की शरण लो, ये करो वो करो, ठीक है। मगर वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, क्योंकि आप हमेशा वहां नहीं रह पाओगे, फिर नीचे आओगे। अहंकार प्रिंसिपल बना हुआ है, वो खींच लेगा नीचे, वो आप देख लेना। सो कृष्ण कह रहे त्रिगुणातीत, सो इस तरह से है बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, क्या कह रहे हो बताओ। लॉजिकली तो प्योर होके भगवत नाम जाना इम्पॉसिबल, लॉजिकली लॉजिक से सोचोगे तो, लॉजिक से सोचोगे तो इम्पॉसिबल भी है, पॉसिबल भी, लॉजिक से दोनों आंसर आएंगे, इसलिए लॉजिक वहां फेल होगा क्योंकि दो आंसर आ रहे हैं ना। पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है क्योंकि यू वांट टू गो, ओके फाइन फाइन, इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम बहुत छोटे हैं माया की शक्ति के सामने। नहीं मतलब माया भगवान खुद है, माया कोई अलग चीज नहीं है, माया भगवान ही है, नंगी शक्ति है ना, भगवान ही हो गए, भगवान की शक्ति है, मतलब ये स्टेटमेंट छोटा नहीं है। अब भगवान की शक्ति है तो आप क्या कर लोगे बताना, क्या कुछ कर सकते हैं? तो उस कंटेक्स्ट में इम्पॉसिबल है, मगर पॉसिबल इसलिए है क्योंकि भगवान इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, ये बात है। सो भगवान चाहे तो हो सकता है, तो लॉजिक से तो दोनों आंसर आएंगे, आ गए तो क्या करें, पॉसिबल है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल सोचे तो कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, पॉसिबल है सोचे तो कॉन्फिडेंस 100% हो जाता है, तो क्या सोचे, आंसर तो दोनों है। तो यहां पे आके लॉजिक फेल होता है, यहां पे आपको लॉजिक को छोड़ना पड़ेगा वरना पागल हो जाओगे। यहां पे आके लॉजिक प्रोस्टिट्यूट बन गया, पहले तो आपकी अच्छी पत्नी थी, समझा दिया कृष्णा कौन है, भगवान कौन है, डेफिनेशन सब दे दी, यहां आके वो बन गई प्रोस्टिट्यूट, चरित्र खराब हो गया उसका, दो दो आंसर दे रही है उल्टे, नहीं मैं तेरा पति हूं, हां दूसरा मैं तेरा पति हूं, नहीं तो दे गया यार, पागल बना दिया, निकलना तू घर से, यही करोगे ना। तो इस लेवल पे लॉजिक को बाहर निकाल दो, इस लेवल पे फिर सीधा
फेथ और प्रेयर्स, वो आगे ले जाएगा प्रार्थनाएं। फिर तो आपको भगवान के सामने रोना पड़ेगा, भगवान प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे संभालिए। नहीं तब वो भगवान, ये जो है ना जो कॉन्ट्रडिक्शन पे आपके अंदर ही बैठे ददामी बुद्धि, भगवान अंदर ही आके फिर उसको सॉल्व कर देंगे, उठा देंगे आपको, वो फिर भगवान करेंगे, वहां तक आप कर सकते हैं। किससे? हमसे नहीं लग रहे हैं। अब पॉइंट ये है ना कि आपको लग रहा है फिर रो क्यों नहीं रहा है? नहीं, भक्ति नहीं हो रही। हाँ, क्यों नहीं रो रहे फिर? अभी अगर मान लीजिए आपको कुएं में डाल दें, आपको मैं निकल नहीं सकता, चिल्लाओगे ना, रोगे ना, पीटोगे, बचाओ बचाओ प्लीज कोई बचा लो, तो आप तो कह रहे हो नहीं हो सकता, फिर भी नहीं रो रहे, तो इसका मतलब क्या है लॉजिकली अगर पूछो तो? इसका मतलब यह है कि अभी आप कन्विंस्ड नहीं हो कि नहीं हो सकता, अभी अंदर कहीं है कि मैं कर जाऊंगा। मगर जितने भी आचार्य हैं ना, उन्होंने तो हैंड्स अप कर दिए, द्रौपदी ने, नहीं हो सकता भाई, हे गोविंद, तब हेल्प आई। उससे पहले तो भगवान हेल्प नहीं करने आ रहे थे, कहीं ना कहीं भगवान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें अहंकार है, ये सोच रहा है मैं कर लूंगा, और उसका प्रमाण है कि रोना नहीं आ रहा। अब देख रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव भी है। जिस दिन आपको लग जाएगा ना हेल्पलेस, उस दिन आंसू आ जाएंगे आपके। अब वो है कि ये समझने के लिए मैं नहीं कर सकता, ये पढ़ना है आपको, ये समझने के लिए नहीं कर सकता हूं, पढ़ना है, पढ़ाई कर रहे हम, ये समझने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे मैं कर सकता हूं, ये समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, उल्टा आई कांट डू। बट वो समझना मुश्किल इसलिए क्योंकि अहंकार काम कर रहा है, ये प्रॉब्लम है ना। जिस दिन वो समझ आ जाएगा उस दिन तो हम निकल गए, फिर तो आप 24 घंटे आप जब करना शुरू कर दोगे, अंदर से आवाज निकलने लगेगी, रो रोगे आप भगवान के सामने। कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है क्या? एक मतलब क्या कहते हैं, हर चीज फिक्स्ड है। फिक्स नहीं है यार, आप एस्ट्रोलॉजी आप ज्योतिष ले आते हो? नहीं नहीं, वहीं आ रही है आपकी बात, ज्योतिष। अच्छा, हर इवेंट ही फिक्स्ड है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को भगवत गीता दे रहे हैं तो वो भी निर्धारित है, उसको कब मिलनी है, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। यार वो एक्चुअली ना आपका मुझे आइडिया सही नहीं लगता, क्योंकि ज्योतिष ये नहीं कहते हर चीज फिक्स्ड है, क्योंकि हर चीज फिक्स्ड होगी तो फ्री विल की क्या चॉइस है? फ्री विल क्या होता है? वो एक दो फ्री विल है, लेकिन नहीं, फिर क्या है, बहुत बियॉन्ड जाना पड़ता है सबकॉन्शियस लेवल। भाई मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ, अभी आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे, फिक्स्ड है? हाँ बिल्कुल नहीं, यही हमारे शास्त्र कह रहे हैं, थोड़ी सी फ्री विल रहती है, तभी तो उसके हिसाब से पुण्य पाप बनते रहते हैं आगे के लिए। पुण्य पाप कैसे बनेंगे? तो सारा लॉ ऑफ कर्म ही खत्म हो जाएगा। कई बार एक्सपेरिमेंट किया इस चीज के ऊपर। नहीं, मुझे आंसर दो, पुण्य पाप का फेल हो गया, सब पूरा सृष्टि खत्म हो गई। आपके छोटे छोटे एक्शन से पुण्य पाप बनते हैं, फिर तो ये बात जरूर है, मेजर चीजें फिक्स्ड होती है, माइनर चीजें तो आप डिसाइड करते हो, उसके हिसाब से फिर पुण्य पाप एक्यूमुलेट होते रहते हैं, फिर उसके हिसाब से मेजर चीज बनती है, तो वो तो सब कैओस हो जाएगा। फिक्स नहीं है, हमारी चॉइसेस हैं, और जितना ज्यादा हमें नॉलेज आती है उतनी चॉइसेस और बढ़ जाती हैं, और नॉलेज आपको चॉइस करने की कैपेसिटी देती है, तभी फिर लॉ ऑफ कर्मा से बाहर निकलते हैं। भाई फिक्स टाइम अगर मैंने अपनी नॉलेज से, अपनी चॉइस से मैंने वो चुन लिया, टेम्पटेशन रेजिस्ट करके, फिक्स था कि मुझे अभी रेप करना है, उस टाइम आपके काम वासना आना शुरू हो जाएगी, उस टाइम आ जाएगी शुरू, आप पागल हो जाओगे, और उस टाइम जब आपका वो टाइम आएगा ना, तो काम वासना आएगी बहुत ज्यादा, ऐसा सिचुएशन भी बन जाएगी, लड़की भी आ जाएगी, अकेले भी आ जाओगे आप, पूरा बन जाएगा। उस टाइम अगर आपने संतों को सुना हो और भक्ति की हो, तो आप चॉइस कर सकते हो, नहीं यार ये गलत है, रेजिस्ट कर जाओगे, भाग जाओगे, बच गया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा, कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अब ये भी तो है ना, वरना नॉलेज का फायदा क्या, वैदिक नॉलेज का, फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, जाके करो फिर जो भी करो, सब गलत गड़बड़ हो जाएगी। ये तो जैसे कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया है कि जैसे कुछ कुछ चीजें करके देखी, एक्सपेरिमेंट ये इससे ऐसे से करना है, लेकिन वो देखा है कि हुआ वही है,
जो उसको जैसे अब वो बाई चांस हो गया होगा, इसका थोड़ी ना कि लॉ खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज अब वो पता है क्या है, वो एक पता है क्या है, वो क्या कहते हैं क्या कहते हैं वो कि भाई वो एक बंदा गया पेड़ के नीचे और वो गया और आम गिर गया, दूसरी बार का फिर दोबारा आम गिर गया, फिर दोबारा आम गिर गया, तो उसका कंक्लूजन ये था जब भी पेड़ के नीचे जाऊंगा आम गिरेगा। ओ भाई ये क्या कंक्लूजन है। जो भी है चलो ये तो डिबेटेबल है, थोड़ा सा मेजर इवेंट्स हो जाती हैं प्रिडिक्ट, बट एट द सेम टाइम चेंज हो सकती है। क्या कह रहे हो? हाँ ध्रुव महाराज का, हाँ देख लो ये बात है। प्रिय व्रत महाराज भी गलत कर रहे थे, शंभु मनु ने आके एडवाइस करके बचा लिया उनको, वरना तो शंभु मनु चले गए। शंभु मनु ने ही बचाया था प्रिय व्रत महाराज को भी, प्रिय व्रत महाराज तपस्या करने चले गए थे ना, उनको एडवाइस की थी भाई तुम क्या कर रहे हो, कोई राजा नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं तो तपस्या करूंगा, मैं तो भक्ति करूंगा, राज्य वाज्य ग्रस्त में क्या बचूंगा। उन्होंने कहा पागल हो यार तुम, ये तो पूरी पूरा संसार का कल्याण हो जाएगा, तुम तो पूरे पाप में फंस जाओगे। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। सो ये भी चीज है ओके सो जय श्री प्रभुपाद की जय।